Okay, friends, let us begin with adjustments. कि पहले एडजस्टमेंट क्या होता है मुझे बातें करनी है. देखो, हमको फाइनल अकाउंट बनाना है. ओके, ठीक है सर, बनाइए. तो फाइनल अकाउंट किस में से बनेगा जी? तो के वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. ठीक है बच्चा, डेबिट क्रेडिट ऐसा दिया होगा तेरे को और इसमें से अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं. ठीक है बच्चा. अब ट्रायल बैलेंस चलिए देख ले टोटल. और क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैलीड है, अपना बैलेंस शीट भी टैली होता है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, और फिर ये बैलेंस शीट, ये टैली होता है. कारण ट्रायल बैलेंस टैली है and therefore you will find balance sheet is tally. This is the basic reason. And trial balance is tally because we follow double entry system of bookkeeping. Matlab for every debit there is equal amount of credit. So debit credit apan chalte jayenge to ye total same hi aata hai. Isiliye trial balance tally hai aur isiliye balance sheet tally hota hai bachcha. कभी तेरा इंटरव्यू वगैरह किधर लेगा ना तो ये सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी. अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस टैली है क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. मतलब हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट्स. बस यही बात मुझे एडजस्टमेंट में बोलना. व्हाट इज एडजस्टमेंट बाबू जी? एडजस्टमेंट का मतलब क्या, सुन ले. द आइटम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम इंक्लूड नहीं हुई है, कोई भी कारण से छूट गया है. The item which is not included in the trial balance, but to be included in the final account, is known as adjustment. Soch le. Is known as adjustment. जो आइटम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं था और फाइनल अकाउंट में अपने को लेके आना है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है और फाइनल अकाउंट में लेना है, हद हो गई यार, तो उसको बोला जाता है एडजस्टमेंट. और इसीलिए बाबूजी, इसीलिए फॉर ईच एडजस्टमेंट, हाँ ये मेन सेंटेंस भी आ रहा है, फॉर ईच एडजस्टमेंट गिव टू इफेक्ट्स. क्योंकि अपना डबल एंट्री सिस्टम है ना बेटा, डबल एंट्री सिस्टम है, तो एडजस्टमेंट मतलब जो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं हुआ है और उसको मुझे फाइनल अकाउंट में इंक्लूड करना है तो डबल एंट्री. तो ये मतलब होता है कि एडजस्टमेंट का भी मुझे दो इफेक्ट देना चाहिए. मतलब वो कि अमाउंट ऑफ डेबिट, टू इफेक्ट्स इसको बोलते हैं बच्चा. टू इफेक्ट्स यानी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट, बेटा इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट, इसको बोलते हैं टू इफेक्ट्स. मतलब एडजस्टमेंट का गिव टू इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट का गिव टू इफेक्ट्स.
अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये एक बात सुन ले, अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि दो जगह पे लिखो। सुना क्या? टू इफेक्ट्स यानी अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। फिर ये हो सकता है कि डेबिट का अमाउंट तू दो जगह भी लिखे या एक जगह ही लिखे, क्रेडिट का अमाउंट तू दो जगह पे लिखे या एक जगह ही लिखे। तो प्लेसेस डोंट काउंट, प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। तूने एक अमाउंट को तोड़ के दो जगह पे लिखा, डेबिट एक अमाउंट तोड़ के थोड़ा थोड़ा इधर लिखा, तो वो दो इफेक्ट नहीं हुई। डेबिट एंड डेबिट मींस इट इज काउंटेड एज वन इफेक्ट, दो प्लेसेस आर टू। इफेक्ट का मीनिंग समझ, इफेक्ट का मतलब प्लेस नहीं बच्चा। इफेक्ट मींस अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट मींस टू इफेक्ट्स। अंडरस्टैंड द क्लियर कंसेप्ट। और फिर वो अमाउंट को भले तू तोड़ के दो जगह पे लिखा, तो डेबिट वाला अमाउंट यानी एक इफेक्ट हुआ, उसको भले तूने तोड़ के दो जगह पे लिखा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, उसको मैं एक ही इफेक्ट काउंट करूंगा, क्योंकि वो डेबिट का अमाउंट गिव वन इफेक्ट, क्रेडिट का अमाउंट गिव वन इफेक्ट। ऐसा समझ में आया? अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट यानी टू इफेक्ट्स। ठीक है बच्चा, अपन चालू करते हैं अपनी यात्रा एडजस्टमेंट्स। बात और एक साफ कर दूं, एडजस्टमेंट का मुझे दो इफेक्ट देना है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चा, मैं कुछ एडजस्टमेंट्स तेरे सामने चालू करता हूं, लिखते जाना मेरे साथ। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस इज माई सिंपल एडजस्टमेंट। ये स्टॉक है तो स्टॉक तीन प्रकार का हो सकता है, वो अभी चर्चा का विषय नहीं बनेगा। ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स हो गया, यहां भी आ सकता है तीन प्रकार के स्टॉक, प्रकार तीन। अपने को अभी क्लोजिंग स्टॉक, वो एक आंकड़ा तीनों का टोटल करके दिया या तीन का अलग अलग करके दिया है, स्टॉक तो स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है। बाबू, इसका दो इफेक्ट क्या? मेरे साथ काम करते रहना बच्चा, मेरे साथ काम करना। आंसर बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट इधर आएगा। वन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सेकंड, बैलेंस शीट एसेट्स। अच्छा, ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ, ये डेबिट इफेक्ट हुआ, जरा देख ले टू इफेक्ट्स। ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, जरा इसको मैं चित्र बनाऊं तो कैसा दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक मान लो रुपीज 500 दिया है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ऐसा दिखेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 500 और बैलेंस शीट में बेटा एसेट साइड में ऐसे दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक 500। जरा मेरे साथ लिखते जाए यार, टू इफेक्ट्स प्लीज सी। उधर मैंने शब्द में लिखा वन ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकंड बैलेंस शीट एसेट, और यहां मैंने तेरे को रूबरू दिखाया। ट्रेडिंग में किधर आएगा, कैसे आएगा? बैलेंस शीट में किधर आएगा, कैसे आएगा? प्रेजेंटेशन के साथ है ना, मैं बड़े आराम से काम करूंगा, सीधा खोपड़ी में भरता हूं। इनविजिबल राइटिंग, HM खोपड़ी पे लिखता है।
चलो सेकंड लिखते जाना बच्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो ना, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अनपेड एक्सपेंसेस, कुछ खर्चा चुकाने का बाकी रह गया है बाबूजी, मतलब प्रोविजन टू बी मेड फॉर एक्सपेंसेस, ओड ओड मतलब चुकाने का जो बाकी है, प्रोविजन टू बी मेड फॉर एक्सपेंसेस ओड चुकाने का बाकी, ओड यानी अपन ऋणी है बाबूजी, पैसा नहीं दिया अनपेड है तो अपन ऋणी हुए ना, कोई भी खर्चा नहीं दिया तो अपन ऋणी है। ओके ए बाबूजी आंसर बोलने दे रे, खर्चा बाकी रे आंसर ले रे। चल एक इफेक्ट, एड टू एक्सपेंसेस, एड टू दैट एक्सपेंस, एड टू एक्सपेंस, फिर वो एक्सपेंस बाबूजी ट्रेडिंग अकाउंट में हो गए तो ट्रेडिंग में ऐड कर, वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो गए तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर, जहां का जो खर्चा है। मैं बातें डीप में करता हूं, घबरा मत। एड टू एक्सपेंस उसमें ऐड कर, चाहे वो ट्रेडिंग की आइटम है तो ट्रेडिंग में ऐड कर, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर। मैं उसका एग्जांपल से बात करूंगा, चिंता मत कर। और हाँ, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी रे, बैलेंस लायबिलिटीज ले, एड टू एक्सपेंस ये हुआ डेबिट इफेक्ट, लायबिलिटी ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट, एल दो इफेक्ट्स दिखता है क्या रे, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जरा थोड़ा मेरे को बातें करना है, एग्जाम्पल मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 रुपया या तो 600 रुपया, चल आउटस्टैंडिंग वेजेस है 600 रुपया, ये एडजस्टमेंट हुआ तो कहां शो करूंगा देख तू, ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, वेजेस है ना तो ट्रेडिंग में होगा, जो भी तेरे को आगे का वेजेस एक दिया होगा ट्रायल बैलेंस से आया हुआ होगा ये वेजेस, और उसमें तो ये आउटस्टैंडिंग 600 ऐड करेगा, देख मेरा स्टाइल देख, 600 ये रहा, ऐड टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बेटा। और सेकंड इफेक्ट मैं कहां दे रहा हूं जरा देख तो, बैलेंस शीट लायबिलिटी बेटा, इधर सीधा लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस 600, जरा देख तो 600 का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग में एक क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी बेटा। ये एक एग्जांपल लिया ना, अभी एक एग्जांपल और ले रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ताकि तेरे को वो भी मालूम पड़ जाए। मान लो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है ऑफिस का, तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल मान लो ₹1000, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बेटा, दिख रहा है क्या तेरे को, टेलीफोन एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में कुछ तो दिया होगा, उसमें तू आउटस्टैंडिंग ₹1000 ऐड करेगा, देख ले बेटा प्रेजेंटेशन का स्टाइल देख, टोटल मार के बाहर चला, आंकड़ा कुछ भी आएगा तू ₹1000 पे नजर रख, कि ₹1000 सोने दो जगह पे किरू दिखाए हो, टेलीफोन एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में से आया होगा, उसका एक इफेक्ट
जो भी अमाउंट होगा मैं जानबूझ के ऐसा क्रॉस करके खड़ा कर दिया, लेकिन अभी अपने को एडजस्टमेंट का चर्चा है। तो एक ही पे किया लास्ट डेबिट एड टू टेलीफोन सिग्निफिकेंट बैलेंस लाबड़ी आ जा रही, लाबड़ी में ले रे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल अमाउंट 1000, एक क्रेडिट देख ले रे, दिखा गया। दो इफेक्ट देख, मैंने जानबूझ के एक पहले ट्रेडिंग का आइटम लिया वेजेस, फिर टेलीफोन या तो सैलरी कुछ भी ले सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस। मतलब मैंने आंसर क्या लिखा था, अभी तू वापस आंसर पे आ जा बाबूजी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आंसर क्या लिखा था देख तो, एड टू एक्सपेंस, मैं इधर हूं बच्चा जरा आंसर को पकड़, एड टू एक्सपेंस एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, वो फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंस हो गए, और फिर वो एक्सपेंस चाहे ट्रेडिंग का हो, वो एक्सपेंस चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, ठीक है। तो वो जहां का भी खर्चा होगा लेस करने का, ऐड करने का, ये अपने को देख लेने का, यहाँ ऐड है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। चल बेटा आगे बढ़ता जाऊंगा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर थर्ड लिख, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब अगले साल का खर्चा अपन ने इस साल में चुका दिया, इसको ऐसा बोलते हैं ऑन एक्सपायर्ड एक्सपेंस। ऑन एक्सपायर्ड एक्सपेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ऑन एक्सपायर एक्सपेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो बाबूजी प्रीपेड है, एडवांस में पे किया बच्चा, यानी ये खर्चा इस साल मैंने चुकाया, मगर ये खर्चा वास्तव में अगले साल का है, तो इसको अनएक्सपायर बोलते हैं। ये अगले साल जाएगा क्योंकि इस साल में वो खत्म नहीं हुआ, इस साल में वो खत्म नहीं हुआ, इस साल में वो अनएक्सपायर्ड है। इस साल कोई भी खर्चा होगा, चाहे वो सैलरी होवे, वेजिस होवे, इंश्योरेंस होवे, कोई भी खर्चा होवे, रेंट होवे, तेरे को एक्सपेंस बोल के मैंने, कोई भी खर्चा हो सकता है ये तू ध्यान रख, मैंने एक्सपेंस बोला। बच्चा आंसर पहले पकड़, टू इफेक्ट्स पहले ले, लेस फ्रॉम दैट एक्सपेंस, सुना क्या रे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और दूसरा इफेक्ट बेटा बैलेंस शीट एसेट्स। लेस फ्रॉम एक्सपेंस बच्चा, जो भी खर्चा डेबिट साइड में होगा उसमें से लेस कर, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, मतलब ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट एसेट ये हो गया डेबिट इफेक्ट। मुझे दो इफेक्ट देना है तुझे सिखाना है रे, बड़े आराम से चल रहा हूं, खोपड़ी में जाना ही चाहिए एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, और क्योंकि वो इस साल का नहीं है, अगले साल खर्चा जा रहा है, तो इस साल में से लेस किया, को लेस किया क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है। अपन हेडिंग मारते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, तो फॉर द ईयर एंडेड मतलब वो इस साल हुआ, और ये खर्चा अगले साल का है, मतलब इस साल का नहीं है, तो इस साल में से लेस कर दे। और बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि अपन को ये खर्चा चाहिए तो वापस भी मिल सकता है, रिसीवेबल होता है। बच्चा इसको जरा
मैं एग्जाम्पल के रूप में लेके बातें करूं तो अच्छा लगेगा. प्लीज सी, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200. बेचा दो इफेक्ट देख ले, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा. लो भाई मैं तैयार हो गया, देखो मेरा कार्यक्रम लेके मेरे साथ चल. फर्स्ट, इंश्योरेंस तेरे को ट्रायल बैलेंस में कुछ तो दिया होगा रे, इनर है कॉलम, उसमें से लेस कर रे. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है रे, 200 ले रे. आउटर देख. और सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, बाबूजी प्रीपेड इंश्योरेंस देख ले 200. प्रीपेड इंश्योरेंस देख ले 200. तो प्रीपेड इंश्योरेंस तेरे सामने है, टू इफेक्ट्स. देखिए डेबिट साइड में है बच्चा और मैंने इसको लेस किया है तो ये अपोजिट इफेक्ट हो गया. अपन डेबिट साइड में है बच्चा और उसको मैंने लेस किया बेटा, तो डेबिट साइड में से लेस किया मतलब जब भी अपन लेस करते हैं ना तो अपोजिट इफेक्ट समझने का मतलब डेबिट साइड में से लेस किया तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट. ये वाक्य याद रख लेना, जब भी हम लेस करते हैं मींस अपोजिट इफेक्ट होता है. ये वाक्य याद रख लेना, एड मींस सेम इफेक्ट, लेस मींस अपोजिट इफेक्ट. बच्चा जरा इसको बॉक्स में डाल ऐसा लिख के, एड मींस सेम इफेक्ट, लेस मींस अपोजिट इफेक्ट. जब भी तू ऐड करेगा यानी तू सेम इफेक्ट दे रहा है, लेस करेगा यानी तू अपोजिट इफेक्ट दे रहा है. परमानेंट याद रख, खाली ट्वेल्थ में नहीं लाइफ टाइम याद रख. ऐड मींस सेम इफेक्ट, लेस मींस अपोजिट इफेक्ट. बुक में नहीं मिलेगा, ये मंत्र है भैया. चल आगे, ठीक है. फिर यहां मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से वो इंश्योरेंस था इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस. अगर जो फैक्ट्री रेंट होता तो वो ट्रेडिंग का आइटम बनता, प्रीपेड फैक्ट्री रेंट तो वो ट्रेडिंग की आइटम बनता. तो अपन ने प्रीपेड का लिखा ना बच्चा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, कहां का भी वो एक्सपेंस हो, ट्रेडिंग हो प्रॉफिट एंड लॉस हो. एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, प्लीज सी. ठीक है बेटा चलेंगे आगे. चलो चार, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, देखते जा. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम लेने का बाकी है. आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम लेने का बाकी है मतलब इनकम ड्यू. But not received. Income due but not received. मतलब receivable. मतलब receivable. Income एक वाक्य और लिख लें. Income earned. But not received. Earned, कमा लिया, काम कर लिया मगर भाई पैसा नहीं आया अभी तक, तो बाकी है, आ जाएगा, लेने का है, रिसीवेबल है. अरे दो ही पे ले ले रे,
बोलेगा दे दे रे, है ना बाबूजी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यदि वो इनकम ऑलरेडी खड़ा है तो ऐड इन दैट आइटम, इफ आइटम डज एग्जिस्ट, अगर जो आइटम ऑलरेडी है तो ऐड कर, और वो यदि आइटम नहीं है तो अपन एज अ फ्रेश ताजा लिखेंगे। सुना? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, यदि वो आइटम है जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑलरेडी था और ये बोलता है डिविडेंड अभी भी लेने का बाकी है, तो वो डिविडेंड था उसमें ऐड कर, और ऊपर डिविडेंड नहीं था ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट में ये बोला कि डिविडेंड लेने का है, तो आ जा नया आइटम डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट रिसीवेबल। और हाँ, सेकंड इफ बैलेंस शीट एसेट्स लरे, बैलेंस शीट एसेट्स, ये बच्चा देख शांति से, है क्रेडिट इफेक्ट रे, ये डेबिट इफेक्ट रे, ये दो इफेक्ट देख ले रे, ये एडजस्टमेंट चल रहा है, जरा एग्जाम्पल भी ले ले रे, है ना, एग्जाम्पल भी लिख लेते। चल हाँ, एग्जाम्पल लिखना। इंटरेस्ट, डिविडेंड, कुछ भी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ₹500 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है? चल बच्चा, हाँ आंसर की शुरुआत कर, प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बना दिया देख ले, डेबिट क्रेडिट ले लिया देख ले, क्रेडिट में थोड़ा ज्यादा जगह रखा रहे क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन क्रेडिट में करना है ना बच्चा, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट वो भी मैंने एसेट में ज्यादा जगह रखा है तू देख ले, लायबिलिटी में कुछ नहीं जगह रखा बोलेगा तो चलेगा, दो इफेक्ट देखते जा रहे, पहले तेरे को ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीव करके दिया होगा तो ऐसा होगा, क्रेडिट प्रॉफिट लॉस इनर ए दो क्रॉस मारा, मतलब ये आइटम तेरे को ट्रायल बैलेंस में आए लाए रे, वन इफेक्ट ट्रायल बैलेंस आइटम मेरा देख, क्रॉस क्रॉस वन इफेक्ट, अभी अपना एडजस्टमेंट के सर जी ₹500 लेना बाकी है, तो ये ₹500 को मैं यहां शो करता हूं देख, एड रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब इतना लेना निकलता है 500, और आउटर में देख ले एस स्क्वायर चला गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल बच्चा 500, देख ले मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूं एक 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 करके। बाबूजी, दिस वॉज एडजस्टमेंट नंबर 4, दिखता है तेरे को? इनकम आउटस्टैंडिंग था तो उल्टा लेना, इनकम आउटस्टैंडिंग था बच्चा तो उल्टा लेना, फिफ्थ क्या रहे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इनकम मुझे एडवांस में मिल गया, इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, इसका दूसरा नाम लिख ले, इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, मतलब अभी ड्यू डेट नहीं आया, कोई मेरे को पहले ही भाड़ा देके गया जी, मेरा कोई शॉप वगैरह मैंने भाड़े पे दिया होगा, दुकान
बोलता है 3 महीने का और ले लो, 6 महीने का ले लो ले लो। अरे वो तो डेट आएगा, महीना खत्म होगा फिर देना ना, एडवांस में देखेगा हमने ले लिया। लक्ष्मी आ रही है कौन ना बोलेगा रे, तो पैसा हमने ले लिया। मतलब ये इनकम हमको रिसीव हो गया है मगर ये वास्तव में ड्यू नहीं हुआ है। इसको एक बार हम और भी बोल सकते हैं, बाबूजी इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कमाया नहीं हूं, रिसीव हो गया। सुना क्या? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कमाया नहीं है, पहले पैसा आ गया लो। ओके मतलब इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो। आगे लिखना तो लिख ले, इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ले भाई अगले साल इसको, क्योंकि अगले साल का पैसा वो मुझे अभी देखे गया यार, भाड़ा वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, आंसर बोलने दे मेरे को, पैसा आ गया, कमाया नहीं हूं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आंसर लेस फ्रॉम दैट आइटम, जो भी इनकम है, रेंट है बाबूजी, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, जो भी वो आइटम है, कमीशन है, लेस फ्रॉम दैट आइटम 100% ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में ही तेरे को मिलेगा, क्योंकि ये इनकम है रे, लेस करना रे, क्रेडिट में से लेस करो रे, तो ये हुआ डेबिट इफेक्ट रे। ले 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 ले, फर्स्ट लेस फ्रॉम दैट आइटम, दैट आइटम यू विल सी 100% इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो क्रेडिट में से मैं लेस कर रहा हूं बाबूजी, आगे सिखा ना, जब भी लेस करेगा ना अपोजिट इफेक्ट, वो बॉक्स में डाला ना, ये लाल लाल बॉक्स में देखना, लेस किया ना, अपोजिट इफेक्ट देख लो, एड मींस सेम इफेक्ट, लेस मींस अपोजिट इफेक्ट। चले भाई चले भाई, तो मैंने लेस किया, और सेकंड इफेक्ट, तो मैं बोल रहा हूँ भैया शांति रखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज देख ले, लायबिलिटी में लिखा हाँ, अरे तो क्रेडिट इफेक्ट होगा रे, देखना दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, आनंद ले आनंद ले। चल भाई एग्जाम्पल जरा दे दो तो मुझे अच्छा लगे, ठीक है। चल रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस रुपीज 3000, रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस रुपीज 3000, अगले साल का भाड़ा अभी मिल गया बच्चा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 3000, तो अभी इसका प्रेजेंटेशन कैसे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले ले, क्रेडिट साइड में शो करने का, इसलिए मैंने जरा क्रेडिट का जगह ज्यादा रखा है, तू देख सकता है। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आना है, तो मैंने लायबिलिटी में जरा जगह ज्यादा दबाया है, तू देख ले, ठीक है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 3000, तो पहले तो मुझे रेंट रिसीव्ड ऐसा कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, देख ले अमाउंट क्रॉस क्रॉस, और अभी एडजस्टमेंट 3000 का देख ले, दो इफेक्ट को मैं तैयार हूं लेस। बाबूजी एक शब्द बोलते हैं प्री रिसीट,
प्री रिसीट मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, लेस करने का प्री रिसीट मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, बच्चा अमाउंट 3000 लेस करके बाहर आ जाए, रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि प्री रिसीट, ऐसे ही शब्द इंट्रोड्यूस तेरे सामने किया बच्चा, ये लेस किया क्रेडिट साइड में से, ए लेस किया रे, तो ये खुद बच्चा ये खुद डेबिट इफेक्ट हो गया, और आगे बोलू तो ये एडवांस में मुझे पैसा मिला है, इट इज माय लायबिलिटी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट 3000 इट इज माय लायबिलिटी। जरा देख ले ये लायबिलिटी बोलेगा तो क्रेडिट इफेक्ट, ये लायबिलिटी बोलेगा तो क्रेडिट इफेक्ट, सो वन डेबिट इफेक्ट सेकंड क्रेडिट इफेक्ट प्लीज सी। मैं एक और मंत्र यहां देने जा रहा हूं, तूने देखा क्या एडवांस में जो मिला तो लेस किया, आगे भी एडवांस का जो एक्सपेंस वगैरह था बच्चा तो अपन ने प्रीपेड लेस किया था, मतलब जब भी कुछ एडवांस में आवे तो एडवांस अपने को हमेशा लेस करने का, जरा एक नियम याद रखना, जब भी कुछ भी आउटस्टैंडिंग आवे ऐड करना, और जब भी कुछ भी एडवांस आवे तो लेस करना, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, दोनों को ये रूल लागू पड़ता है रे। लाल लाल देख ये बॉक्स में ले रे, खोपड़ी में लिख रे, इनविजिबल राइटिंग, जब भी आउटस्टैंडिंग आवे ऐड करना, इनकम हो आउटस्टैंडिंग ऐड, एक्सपेंस हो आउटस्टैंडिंग ऐड, जब भी एडवांस आवे लेस करना, एक्सपेंस एडवांस हो लेस रे, इनकम एडवांस हो लेस रे, आउटस्टैंडिंग ऐड एडवांस लेस, लाइफ टाइम रूल ले, एडजस्टमेंट का प्लीज, हाँ इनकम एक्सपेंस दोनों देख ऊपर लिखा है, लाइफ टाइम रूल पकड़ चल आगे बाबूजी, धीरे धीरे करके देख मैं कितने एडजस्टमेंट आगे खींच रहा हूं, ये पांचवा एडजस्टमेंट हो गया बच्चा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन कुछ भी मशीन फर्नीचर मोटर कार, बाबू जी डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट, सीधे शब्द में बोले तो एसेट टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब उसको उतना हटा दे निकाल दे साफ कर दे, रिटर्न ऑफ हटा, एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, अरे दो इफेक्ट सुन रे, आंसर ले रे, दो इफेक्ट सुन रे, वन लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट जो भी बोला होगा, फर्नीचर तो फर्नीचर में से लेस, मशीन तो मशीन में से लेस, वो लेस किया रे, फिक्स एसेट यानी एसेट साइड रे, एसेट बोले तो डेबिट बोले उसमें से लेस किया,
मतलब ये है क्रेडिट इफेक्ट रे, ये क्रेडिट इफेक्ट रे, लेस फ्रॉम फिक्स असेट 10 सेकंड। बाबूजी ये डेप्रिसिएशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। तो ये तो डेबिट साइड है, तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया। वन इज डेबिट इफेक्ट, सेकंड इज क्रेडिट इफेक्ट। डेप्रिशिएशन, एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, कोई भी एसेट होगा, फर्नीचर होगा, मशीन होगा, इसको भी राइट ऑफ कर। मैं एग्जांपल लेता हूं, जरा मुझे तो ये अच्छा लगता है कि तेरे खोपड़ी में ज्यादा बात उतरेगा। बाबूजी लिखा होगा डेप्रिशिएट फर्नीचर ₹2000 एंड मशीनरी, मैं भाई दो दो साथ में लेता हूं ₹3000। ठीक है, ये एक साथ दो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के। बच्चा एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर दिया तेरे लिए, देख ले। डेबिट में जगह ज्यादा चाहिए तो डेबिट में थोड़ा स्पेस ज्यादा दबा लिया। एंड बैलेंस शीट एसेट में मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो एसेट्स में भी थोड़ा जगह ज्यादा ले लिया। ये लाभ है, चलो फर्नीचर दिया होगा कुछ भी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने का देख। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना देख, 2000 अमाउंट आउटर में जाएगा। ऐसे मशीनरी ट्रायल बैलेंस में से अमाउंट कुछ आएगा 2 करोड़ लेस डेप्रिसिएशन, तो के 3000 और अमाउंट आउटर में आएगा देख। चलो बाबूजी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में शो करने का है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000 डेप्रिसिएशन और मशीनरी इट इज 3000 टोटल 5000 टोटल 5000। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट टू इफेक्ट्स यू कैन सी। मेन तो लेस कर बाबूजी, लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो दो इफेक्ट हो गया बाबूजी। ये था अपना एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन नंबर 6। चल बच्चा लाइन से चलते हैं आगे एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 चल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का जो भी कैपिटल रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलता है, जो भी रेट बोला होगा 12%, 10%, 15%, वो बोला होगा क्वेश्चन, यू नीड नॉट वरी। और अगर जो ये एडजस्टमेंट नहीं है तो अपने को नहीं गिनना होता है, सीधी बात है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाटएवर द परसेंटेज गिवन,
बाबू जी पार्टनर को पर्सनली ये इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका कैपिटल बेनिफिट बढ़ता है और बिजनेस ये इंटरेस्ट चुकाता है तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। तो बच्चा दो इफेक्ट ले ले, आंसर मेरा देख ले। वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंड सेकंड इट इज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। जरा देख लो तो, दो इफेक्ट चेक करो तो, वन डेबिट वन क्रेडिट ओपनली यू कैन सी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और पार्टनर का बेनिफिट है रे, तो पार्टनर का क्रेडिट अकाउंट कर, कैपिटल हो करंट हो जो भी हो यार, ठीक है। जरा उसका एग्जाम्पल मैं तेरे को मांगता तो प्रेजेंट करके दिखा दू, तेरे को अच्छा लगेगा रे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, ऐसा जो भी कुछ बोला होगा, ठीक है ना। तो ले भाई ये एग्जाम्पल तेरे सामने चालू किया, इसका सॉल्यूशन भी देख ले रहे बच्चा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं बना रहा हूं, जानबूझ के जरा बड़ा बना रहा हूं, क्योंकि तो क्या कैपिटल भी बड़े में ही बनता है ना जी। डेबिट क्रेडिट देख ले बच्चा, प्रेजेंटेशन चार पांच लाइन, प्रॉफिट एंड लॉस ले ले और फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट जो भी अकाउंट होगा वो तुझे बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट जो भी होगा वो तुझे बनाना है बच्चा। सपोज देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो दो कॉलम ऐसा मैंने शो किया हूं देख ले। दो कॉलम मैंने शो किया हूं, अभी इंटरेस्ट कैसे शो करने का है जरा देख ले। एक डेबिट एक क्रेडिट खुल्लम खुला आंसर है, इधर लिख लेने का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाबू प्रॉफिट एंड लॉस में। ए का इंटरेस्ट जो भी आएगा, बी का इंटरेस्ट जो भी आएगा, दोनों का टोटल आउट रहेगा देख ले। वन इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ए का अमाउंट बी का अमाउंट उसकी कैपिटल करंट पे, सेकंड इफेक्ट दे दे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख बेटा ए का ट्रायंगल है, बी का सर्कल किया है बी के कॉलम में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी देख लो, दो इफेक्ट तेरे सामने है। दो पार्टनर है दोनों का इंटरेस्ट गिनने का, तीन पार्टनर है तीनों का इंटरेस्ट गिनने का, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट नंबर आठ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उल्टा देख। ड्रॉइंग्स मतलब विड्रॉवल, ड्रॉइंग्स मतलब पार्टनर इज टेकिंग फॉर हिज पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, घर के लिए कुछ लेके जाता है बिजनेस में से, चाहे पैसा लेके जावे, चाहे गुड्स लेके जावे, कुछ एसेट लेके जावे, कुछ सर्विस का इस्तेमाल करे, है ना। तो वो सब उसका ड्रॉइंग गिना जाएगा और सब ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने का, ये मैं आगे भी थोड़ी देर पहले बोला था अगले लेक्चर में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब टोटल ड्रॉइंग, कैश विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन, सबके ऊपर टोटल ड्रॉइंग जो होता है उसके ऊपर फिर
इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है बाबूजी, इसका दो इफेक्ट सुन लेना। वन बाबूजी, बिजनेस के लिए ये इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। प्रोप्राइटर के ऊपर, पार्टनर के ऊपर अपन ये चार्ज कर रहे हैं, तो पार्टनर के लिए तो ये एक प्रकार का उसके ऊपर चार्ज किया तो उसके लिए लॉस है। अच्छा, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट तो के डेबिट करो और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करो, ये बात है। बिजनेस के लिए ये इनकम है, क्रेडिट इफेक्ट दिखता है, ये खुल्लम खुल्ला क्रेडिट लिखा देख तो, और कैपिटल करंट डेबिट है तो लिखा देख डेबिट। इज इट क्लियर बच्चा? एक खाली सूचना इधर देनी है, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख रहा हूं। ये जो ड्रॉइंग का इंटरेस्ट होता है ना, वो पार्टनर जब विड्रॉ करेगा उस डेट से गिनने का, क्योंकि ड्रॉइंग जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन को होवे ना, पूरे साल में पार्टनर अलग अलग दिन को विड्रॉ करेगा रे, तो उसका जो अलग अलग डेट रहेगा उसके आधार पे उसका ईयर एंडिंग को इंटरेस्ट गिनने का। इसका मान लो 8 महीना, इसका 7 महीना, इसका 4 महीना, इसका 2 महीना, ऐसा। मतलब डेट जो ड्रॉइंग का रहेगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग, वहां से उसका इंटरेस्ट ऐसे गिनना चाहिए ईयर एंडिंग तक। कि उसने जो तारीख को पैसा लिया और ईयर एंडिंग क्या है, तो उतना समय का उसको ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। कैपिटल में ऐसा अपन नहीं सोचते, क्योंकि कैपिटल तो पहले ही दिन से उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है सालों से, मतलब एवरी ईयर कैपिटल डज एग्जिस्ट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। लेकिन ड्रॉइंग तो वो घड़ी घड़ी बीच में से जैसे जैसे जरूरत पड़ती है गुड्स लेके गया, पैसा निकाला, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मस्ट बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ ड्रॉइंग। एक ड्रॉइंग मान लो उसने ये ड्रॉइंग आगे किया था रोकड़े का, उसके ऊपर 8 महीने का है, ये फिर गुड्स लेके गया उसके ऊपर 7 महीने का है, फिर वो कुछ वापस गुड्स लिया 3 महीने का, वगैरह वगैरह। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ ड्रॉइंग। देख मैंने एक ड्रॉइंग, दो ड्रॉइंग, ऐसा 3 ड्रॉइंग, 4 ड्रॉइंग, कितना बता दिया, और चारों का तेरे को डेट के मुताबिक इंटरेस्ट गिनने का। ये एक बात हुई, मगर ध्यान रखना एग्जाम में तेरे को ऐसा डेट भी दिया नहीं होगा, ये ड्रॉइंग ये तारीख को ने, वो ड्रॉइंग वो तारीख को, नो। मतलब इन एग्जाम व्हेन डेट्स ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन, तो बाबूजी तेरे को अलग अलग डेट नहीं दिया है, डेट्स ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, अभी से बोल देता हूं, नहीं देते उन लोग तो अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूरे साल का नहीं लेना, एवरेज यानी आधा, और साल का आधा बोले तो 6 महीने का इंटरेस्ट गिनने का, ये मैं बोल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड यानी आधा पीरियड का लेने का, यानी 6 महीने का गिनने का। बच्चा ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। बाबूजी दो इफेक्ट वैसे ही गिनने का है,
प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा और पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट जो भी है, कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है उसमें डेबिट साइड आएगा। सपोज देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, उनका जो भी ड्रॉइंग होगा, चाहे गुड्स ड्रॉइंग भी होगा, वो क्वेश्चन में सब दिया होगा तेरे को। तो ये दोनों ड्रॉइंग पे तुझे इंटरेस्ट निकालने का, मान लो मैं अब अमाउंट लेके बोलू तो तेरे को जरा अच्छा लगे। मान लो कैश विड्रॉन है 1,000 रुपया, इसका है 2,000 रुपया, और गुड्स विड्रॉन इसने किया है 4,000 का, इसने कुछ नहीं किया। तो बच्चा ए के ऊपर इंटरेस्ट 5,000 रुपये लगेगा और बी के ऊपर इंटरेस्ट 2,000 रुपये लगेगा। चलो थोड़ा और डिटेल डिस्कशन भी कर ही रहा हूं तो कर ही रहा हूं। ले इफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन ड्रॉइंग्स। लो भाई ये दिया है तेरे को, थोड़ा अभी नाटक बढ़ा ही रहा हूं। एज टोटल ड्रॉइंग हाउ मच, ओके 1,000 प्लस 4,000 दिख रहा है ना बेटा, 5,000। तो ये 5,000 पे 12% 6 महीने का लेना। तेरे को डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया है ना, वो ड्रॉइंग 2,000 1,000 4,000 कभी डेट नहीं दिया। देन द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द टोटल ड्रॉइंग फॉर एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। देख मैं गिनता हूं, एज टोटल ड्रॉइंग 5,000, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 12% 6 महीना। बाबूजी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर एवरेज पीरियड बोलेगा तो 6 मंथ्स का ले ले। बाबूजी हम गिन रहा हूं देख ले, 5,000 पे 12% 6 महीना ले ले। फिर एक 12-12 कट, ये 2 0 इधर गया, क्या बच गया देख लो बाबूजी, ये 50 × 6 आंसर 300 रुपया। ए का इंटरेस्ट 300 रुपया और हाँ बी का इंटरेस्ट कितना आएगा तो क्या 2,000 पे गिन बच्चा। सेम स्टाइल बी का इंटरेस्ट 2,000 पे गिन, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। 2,000 पे ले ले 12% ले ले, 6 महीना ले ले, 12-12 कट, 2 0 कट, बाबूजी 20 × 6 आंसर 120। आंसर 120। तो 6 महीने का कैसे गिनने का तेरे सामने, तूने ये देखा जी ना, तू ये कैपिटल के ऊपर की बात नहीं है ड्रॉइंग की, 6 महीने की कैपिटल पे तो पूरे साल का ही लेना है। चल भाई अभी दो इफेक्ट देने दे, बी का 120 आया और ए का अपन ने इधर गिना था 300। चल भाई दो इफेक्ट ले ले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरा देख तो, ए का तो फिर 300 रुपया और बी का 120 रुपया मिला क्या। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चा क्रेडिट साइड शो कर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए ले बी ले, ए का 300 बी का 120
टोटल बोले 420 है डेबिट है क्रेडिट देख ले रे, पार्टनर्स कैपिटल करंट डेबिट में 300 और 120, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट देख ले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले ले, ए बी 420 दिख रहा बच्चा। तो भाई साहब यहां मैं रुक रहा हूं, जितने भी एडजस्टमेंट अपन ने किए अच्छी बात है बाबूजी, 8 एडजस्टमेंट हुए हैं, नो हरी नो वरी, आराम से रिपीट कर, दोबारा तिबारा देख लिख, मैं खुद लिखता हूं तेरे लिए यार, शांति से एक्सप्रेशन देता हूं, कोई जल्दी नहीं है। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।